21, okay? Chapter 4, Animals Around Us, okay? Animals Around Us. देखिए हमने सबसे पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था Plants Around Us, okay? अब हम पढ़ेंगे Animals Around Us, Chapter 4, okay? You will learn types of animals, animals home, animals babies. इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी हमारे पे कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. और एनिमल्स होम, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, ऐसे ही एनिमल्स के भी घर होते हैं, वो भी अपने घर में रहते हैं. एनिमल बेबीज, जो एनिमल्स होते हैं उनके भी बेबीज होते हैं. ओके, गियर अप. टीना इज लुकिंग हैप्पी प्लेइंग विद हर पैट डॉग. पता है आपको, आप लोगों को भी क्या पैट डॉग है? कई लोग डॉग को पैट करते हैं, पालते हैं. पैट मीन्स पालना. कई लोग कैट भी पालते हैं, कई लोग रैबिट भी पालते हैं. इसी तरीके से ये देखिए, जो टीना है ये गर्ल है, ओके? और ये आज बहुत देखने में खुश है. क्यों खुश है? क्योंकि आज वो अपने डॉग के साथ प्ले कर रही है, प्लेइंग कर रही है, क्योंकि वो अपने पैट डॉग के साथ खेल रही है. देखिए ये टीना है, ये टीना का डॉग है, ये डॉग इसका पैट है, ये उसके साथ प्ले कर रही है, उसके साथ खेल रही है. मे बी बहुत बच्चों के पास भी पैट डॉग होगा ना, बहुत के पास. कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया, मैम हमारे यहाँ रैबिट है. कई बच्चों ने मुझे ये बताया, मैम हमने अपने घर में फिश भी पाल रखी हैं. ओके, तो इस तरीके से फिश आप उन्हें एक्वेरियम में रखते हैं ना. मैनी ऑफ यू हैव पैट एनिमल्स एट होम. जो पैट एनिमल्स होते हैं, बहुत ढेर सारे जो पैट एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं. वो आप लोगों के साथ ही घर में रहते हैं ना. जो पैट डॉग है, अब ये टीना का डॉग है. अब टीना का डॉग ऐसे थोड़ा ना कि रोड में रहता होगा, स्ट्रीट में रहता होगा. नो, टीना अपने घर में ही इस डॉग को रखती है, पैट डॉग को अपने साथ ही रखती है. वी लव टू हैव एनिमल्स अराउंड अस. क्या है, हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स, जो हमारे आसपास एनिमल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं? प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और हमको करनी भी चाहिए. चाहे वो स्ट्रीट भी क्यों ना हो, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट एनिमल्स भी क्यों ना हो, पर उसको भी हमको कभी मारना नहीं चाहिए, उसको भी हमें केयर करनी चाहिए. ओके, दे आर जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स. वे हमारे क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं एक तरीके से. अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कहीं जा रहे हो और बाय चांस आपको ये देखो काऊ है, काऊ मिल गई, ओके? काऊ हमको मिल्क देती है, ओके? उसके मिल्क से हम स्ट्रांग बनते हैं. अब हम इस काऊ को कई बार देखते हैं ना, आप लोग रोड वगैरह पे काऊ होती है, और लोग क्या करते हैं? उसको पत्थर मारने लगते हैं, पानी फेंकने लगते हैं उसके ऊपर. नहीं, ऐसे नहीं करना है. उसको आप धीरे धीरे सलाइए और उसको वहाँ से अलग कर दीजिए, वो अपने आप चली जाती है. ऐसा थोड़ा ना होता कि वो मार के ही जाती है. अच्छा, क्या आप मार के बात मानते हैं? नहीं ना, आपको भी मम्मा पापा प्यार से समझाते हैं, तभी आप क्या करते हैं? बात मानते हैं. इसी तरीके से जो हमारे पैट एनिमल्स हैं, वो भी क्या होते हैं? वो भी हमारे साथ प्यार से रहना पसंद करते हैं, और हमें उन्हें प्यार भी करना चाहिए. Can you keep all animals as pet at home? क्या तुम सारे जो animals हैं उनको अपने घर में रखते हो? भाई देखो, मेरे पे भी एक dog है, मैं भी उसको क्या करती हूँ? रखती हूँ. उसका नाम शेरी है, black color का dog है, ओके? और वो पता है बहुत बात मानती है. उसको जब आप food दोगे, और वो पता है बहुत clean water पीती है, और वो किसी के साथ शैतानी नहीं करती, वो ball से खेलती है. अगर हम उसके साथ ball से खेलें, क्योंकि हम उसकी केयर कर रहे हैं ना, तो वो हमारी केयर कर रही है. और पता है, अगर मैं आधी रात को उठती हूँ ना, तो वो मेरे साथ ही चलती है. ये नहीं कि वो सो रही है और मैं जल्दी, नहीं. इट मीन्स देखो, उसने भी मेरी केयर करी ना, उसने मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने दिया. इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की, इनकी सबकी केयर करेंगे, तो भी क्या होता है? वो भी हमारी केयर करते हैं, और वो भी हमको कभी नहीं मारते. वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट द एनिमल्स वर्ल्ड? वर्ल्ड में ढेर सारे एनिमल्स हैं, इतने एनिमल्स हैं, हम वो काउंट कर नहीं सकते. बहुत ढेर सारों के नाम पता है, पर देखिए हम फॉरेन वगैरह में भी कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. रैबिट्स की ही बहुत वैरायटीज होती हैं, जिन्हें अभी आप छोटी क्लास में हो ना, तो वो क्लियर नहीं हो सकती. ओके, यू कैन फाइंड एनिमल्स एवरीवेयर. ओके,
जो क्या तुम कर सकते हो चारों तरफ एवरीवेयर हर जगह एनिमल्स हैं. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सम एनिमल्स आर बिग एंड सम एनिमल्स आर स्मॉल. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, बिग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं. कैसे होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, और कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, बिग एनिमल्स होते हैं. ओके, आप देखिए कई जो बिग एनिमल्स होते हैं, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या बताया, पहले मैं ये बताती हूँ फिर आपको उससे डिफरेंट बताती हूँ. टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कई प्रकार के एनिमल्स. ओके, कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, जो एनिमल्स होते हैं वो ढेर बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं. अब देखिए इन्होंने बिग एनिमल्स में बताया. बिग एनिमल्स, एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, काउ एंड बफालो आर बिग एनिमल्स. दैट्स क्लियर, ये बात मैं मानती हूँ ये भी बिग एनिमल में है, पर इससे भी बिग एनिमल्स हैं. बिग एनिमल्स में हमारा एलिफेंट भी आता है. ओके, बिग देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ एलिफेंट की. बिग एनिमल्स में एलिफेंट भी आता है. ऐसा नहीं है कि हॉर्स या कैमल से बिग नहीं होता है. कैमल और इनसे भी बिग एनिमल्स होता है ना, एलिफेंट होता है. और आप देखो बिग एनिमल में जिराफ भी आता है, बिग एनिमल में कैंगारू भी आता है, ये भी सब हमारे बिग एनिमल्स में आते हैं. टाइगर, ये देखिए वाह, टाइगर, टाइगर और लायंस से सबको शायद डर लगता है ना, तो टाइगर और लायंस भी किस में आते हैं, बिग एनिमल्स में आते हैं. बिग मीन्स बड़ा. अरे काउ, काउ से तो बिग कैंगारू है ना. आपने बियर देखा है, बियर काउ और बफेलो से भी बड़ा होता है, वो भी बिग एनिमल में आता है. ओके, आप जो अपने टीवी पर एक चैनल आता है डिस्कवरी चैनल, आप डिस्कवरी चैनल देखा करिए, उसमें एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं. अगर आप उसको देखोगे उसमें आपको रियल एनिमल्स दिखाई देंगे ना, तो आप उनको और अच्छे से समझ सकोगे. ओके, तो देखिए इसमें जो बताया इन्होंने, एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, काउ एंड बफेलो आर बिग एनिमल्स. दैट्स क्लियर, दैट्स ट्रू. बट जो ये हैं बिग एनिमल्स, इनसे भी बिग एनिमल्स होते हैं, टाइगर, कैंगारू, एलिफेंट, जिराफ, लायन, टाइगर, ये भी बिग एनिमल्स में आते हैं. बियर, ये सब क्या है हमारे, ये भी हमारे बिग एनिमल्स ही हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने, स्मॉल एनिमल्स. हाँ, दैट्स क्लियर, स्मॉल एनिमल्स लाइक, एनिमल्स लाइक कैट, माउस, रैबिट, मंकी, बर्ड एंड इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स. अच्छा, आपको पता है इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है? सबसे पहले इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, जैसे आंट, ए एंटी आंट. आंट मीन्स क्या होती है, चींटी होती है. आंट मीन्स क्या होती है, चींटी होती है ना, तो वो क्या होती है, इंसेक्ट्स में आती है. किस में आती है, इंसेक्ट्स में. अब इन्होंने स्मॉल एनिमल्स में, स्मॉल एनिमल्स में हम माउस, माउस को भी हम स्मॉल एनिमल में रख सकते हैं. ओके, माउस को भी हम किस में रख सकते हैं, स्मॉल एनिमल में रख सकते हैं. ओके, अब देखिए स्मॉल एनिमल्स, मैं आपको देखो इंसेक्ट्स का भी बताती हूँ. हनी बी, देखिए हनी बी, हनी बी क्या है हमारे, इंसेक्ट्स. ये देखिए इंसेक्ट्स लिखे हनी बी, इंसेक्ट्स में. बैड बग, खटमल, ये भी हमारा इंसेक्ट्स में. स्टिक इंसेक्ट्स, कटकीड़ा. और ये देखिए एक ये क्या है, बैटल. ओके, क्रिकेट यानी झिंगूर. क्रिकेट क्या होता है, झिंगूर, घर में निकलता है ना. ओके, आप देखते हैं ना उनको, तो ये सब हमारे इंसेक्ट्स में आते हैं. ओके, और ये देखिए आप कॉकरोच, कॉकरोच तो आपको बहुत, ये भी इंसेक्ट्स में आते हैं. मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो भी हमारा इंसेक्ट्स में आता है. स्कॉर्पियन, बिच्छू, ये भी हमारा किस में आता है, इंसेक्ट्स में आता है. ओके, ये सब हमारे क्या है, इंसेक्ट्स के नेम है. क्या है ये हमारे, इंसेक्ट्स नेम. ओके, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ये स्मॉल एनिमल्स में आते हैं. अब इसमें कैट, कैट, माउस,
रैबिट, मंकी, ओके, पर हम इसको मानते हैं, पर इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। मैंने आपको बताया ना, वो भी जितने भी इंसेक्ट्स अभी मैंने आपको बताया, स्नेल, लेडी बर्ड, ओके, कॉकरोच, मॉस्क्यूटो, ये सब इंसेक्ट्स में ही आते हैं और ये स्मॉल एनिमल होते हैं। अब देखिए क्या बताया इन्होंने, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर। वाओ, जंगली जानवर से डर लगता है ना, है? यस, हम सबको डर लगता है, जंगली जानवर होते ही इतने खतरनाक हैं, वो डरने की चीज़ है ही वो, ओके? ये सब कहाँ रहते हैं? ये जंगल में रहते हैं और इनको हम जू में भी रखते हैं, ओके? आप लोगों ने जू देखा है? यस या नो, आप मुझे बताएंगे। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, ओके? क्या लायन, वुल्फ, ज़ेब्रा, जिराफ एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स। देखिए मैं वाइल्ड एनिमल्स आपको और ढेर सारी पिक्चर्स बताती हूँ। वाइल्ड एनिमल लायन, वुल्फ, ज़ेब्रा, जिराफ, देखिए डियर, टाइगर, कंगारू, फॉक्स, ज़ेब्रा, बियर, जिराफ, लायन, ये सब क्या हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स। क्या हैं ये सब हमारे, देखिए वाइल्ड एनिमल्स, पर ये बिग एनिमल्स में भी आते हैं, ओके? अब देखिए टाइगर बिग एनिमल्स में, टाइगर बहुत बड़ा होता है। एलिफेंट बिग एनिमल्स में, जिराफ बिग एनिमल्स में, लायन, लायन देखा है, लायन भी बहुत बड़ा होता है, ओके? ये बिग एनिमल्स में, बट ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, हम इनको घर में नहीं रख सकते। क्या टाइगर को आप घर में रख सकते हो? नो, वो एलिफेंट को कई लोग रख लेते हैं, घर में नहीं रखते, पर कुछ मंदिर वगैरह में लोग उसको पाल लेते हैं। मंकी को लोग अपना पेट में कर देते हैं, पर हमको ये सब नहीं। क्या हम एक जगह बंध के रह सकते हैं? नहीं ना, तो ऐसे ही हम इन्हें बांध के क्यों रख सकते हैं? नो, हमें इन्हें भी बांध के नहीं रखना है। तो ये वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर, ओके? दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताते हैं ये, नेक्स्ट कह रहे हैं ये डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम घर पे रखते हैं। एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जिनको हम यूजफुल होते हैं, जो हमारे काम के होते हैं और हम उन्हें सॉरी घर में पालते हैं, वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। जैसे वी कीप दीज एनिमल्स विद अस, काउ, बफेलो, गोट, शीप एंड हैन आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके? देखिए जो काउ और बफेलो हमें क्या देती हैं, गिव अस मिल्क। काउ और बफेलो हमको मिल्क देती हैं। अब देखिए गोट एंड शीप से हमको मीट मिलता है, गोट से शीप से हमको वूल मिलती है, ऊन मिलती है, ओके? गोट का लोग बहुत मीट खाते हैं, उसे कट करते हैं और उसको मीट बनाते हैं, उसका खाते हैं, ओके? गिव हैन गिव अस एग्स। हैन जो है हमें क्या देती है? एग देती है, ओके? हमें हैन क्या देती है? एग देती है। ये सब हमारी क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स। इसे भी लोग अपने घर में पालते हैं, ओके? इन्हें भी अपने घर में पालते हैं और इसको क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। और जो हमको गिव, काउ गिव अस, बफेलो गिव अस मिल्क, ये सब अगर हमें मिल्क देते हैं, इससे हमारा ब्रेन शार्प होता है ना, हम स्ट्रांग बनते हैं ना, ओके? और इसके वूल, इसकी वूल से क्या बनता है, हमारे वूलिन क्लोथ्स बनते हैं ना, और हम लोग उसको विंटर सीजन में पहनते हैं। हैन, हैन जब हमें एग देती है, तो कई लोग इसे एग का जो होता है उसे कई लोग केक में यूज़ करते हैं, कई बॉईल करके खाते हैं, कई ऑमलेट कर बना के भी खाते हैं। तो हैन हमें क्या देती है? एग देती है, ओके? तो आज हम अभी पहले इस चैप्टर को इतना ही क्लियर करेंगे। एनिमल्स अराउंड अस, आज हम पढ़ा टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ओके? एक बात और बताती हूँ, आपने क्या ब्लू व्हेल देखी है? देखिए इधर है ये
ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल, इट लिव्स इन सी वाटर। जो ब्लू व्हेल होती है ये ब्लू कलर की सी ही होती है, ग्रे और ब्लू सी होती है, और ये बहुत बड़ी होती है, लार्जेस्ट एनिमल है, बहुत बड़ा एनिमल है ये। और ये कहाँ रहती है, ये वाटर में रहती है। कहाँ रहती है, ये वाटर में रहती है, बहुत उस पे वाटर में ये रहती है। ओके, दैट्स क्लियर। तो आज हम पहले इसको इतना ही चैप्टर को क्लियर करेंगे, आप इसको रीड करेंगे, और आज ये हमने पढ़ाया है तो इसके लिए आप यहाँ पर डेट भी डालेंगे, क्योंकि आज ही हमने इसको रीड किया है और आधा ही आज हमने रीड किया है आप ESDAY। ओके, और आप क्या करेंगे, आज इसे रीड करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, नहीं समझ में आई है, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे।